गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये अपने घर के पीछे खड़ी हूँ और मौसम इतना सुहाना है ना कि गर्मा गर्म पकौड़िया जो है वो बनाने का मन हो रहा है, तो चलिए बनाते हैं। और इस तरह से मैं पर्दा ऐसे हटा देती हूँ, ऊपर मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, दरवाज़ा हमारा बहुत ऊँचा है, मैं छोटी पड़ जाती हूँ तो नहीं पहुँच पाती हूँ, तो इस तरह से पर्दा उधर लगा देती हूँ। अच्छी अच्छी सी ना हवा आती है, फ्रेशनेस फ्रेशनेस की। और मैक्स भी ना अगर कभी यहाँ आके बैठता तो मैं उस पर नज़र रख सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसे खोल देती हूँ क्योंकि वो आके मिट्टी चाटता है। तो चलिए किचन में बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। बस वीडियो के साथ बने रहिए और कुछ करूँगी बातें लास्ट में, तो बातें मेरी सुन के जाइएगा, ठीक है। अरे 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 मैक्स उसको मारोगे क्या? उसको ऊपर चढ़ के बैठना चाहते हो? अच्छा उसको ऊपर चढ़ेगा मैक्स मेरा। मैक्स थोड़ा लंबा होना पड़ेगा तुम्हें उसके ऊपर चढ़ने के लिए। ये तो एकदम खिलौना है, सुन के चल देगा। रोमन इधर आओ। मैक्स रोमन जाइए, देखिए वो सामान नीचे ऊँचे ही रखी है ना मम्मी अपना सारा, जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी मेरे घर में जितने भी पेट्स हैं ना दो, तो उनकी जो है मस्ती जो है वो चल रही थी। पहले मेरा मैक्स जो है ना रोमन को नहीं पसंद करता था जब वो छोटा था, लेकिन जब से वो उसके बराबरी में आ गया ना तब से उससे दोस्ती कर ली है मैक्स ने, अब खेलता रहता है वो। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में पकौड़ियाँ बनाने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है फ्रेंड्स। और अगर ऐसे बारिश वारिश का मौसम होना तो गर्मा गर्म पकौड़ी वकौड़ी बहुत खाने का मन करता है, तो बस वही बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी। पापा तो मेरे नहीं खाएंगे, उनको तो मैं नहीं दे रही हूँ ऑयली चीज़ कोई भी ज़्यादा, लेकिन अपने लिए और इनके लिए और मम्मी के लिए थोड़ा थोड़ा सा बना लूँगी। और प्याज का ही बना रही हूँ। और आप देख सकते हो जो मैंने कल डब्बा दिखाया था ना आपको, आयरन और इम्यूनिटी बूस्टर, वो रखा हुआ है। तो पकौड़ियाँ जो है वो मेरी बन गई हैं, तो मैं सबको दे देती हूँ, मैं भी खा लूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने ना पापा के लिए वो बनाई थी मूंग दाल, तो वो मैं अलग से निकाल देती हूँ। और हम अपने लिए बनाएंगे चने की दाल और रोटी, और साथ में बनाऊँगी थोड़ी सी चावल, और बस यही चीज़ बनाऊंगी। लेकिन मैंने शूट करा था थोड़ा सा दिखाने के लिए आप लोगों को, बट वो क्लिप जो है ना डिलीट हो गया, तो मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके बाद शाम के टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए शाम के टाइम में ना ये एक भुट्टा जो है मेरा रखा हुआ था, इसको मैं भूल गई थी भूनना, मैंने ऊपर वाले सेल पे रख दिया था किचन के। तो मेरे पति देव बोले कि तुम कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो गई हो, हर चीज़ भूल जाती हो। और सही में मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ। एक जो है ना कांड हो चुका है जिसके कारण ये सब मेरे साथ होने लग गया है। मेरे वीडियो के लास्ट में आपसे बताऊँगी क्यों मैं इतना सब भूलने लगी। ये भुट्टा बहुत कड़ा हो गया था फ्रेंड। आज हो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट न शिक्षा और न स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं, जबकि नंबर दो स्तंभ है एक शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ। दोनों मजबूत स्तंभ को गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा। गवर्नमेंट को नेट इंटरनेट से पैसा मिल रहा है तो कहे बंद करेगी? पैसा मैंने इसीलिए तो बंद करना,
गवर्नमेंट को इंटरनेट और नशे की चीज़, दो चीज़ों से खूब पैसा मिल रहा है, तो ये दोनों चीज़ वो नहीं बंद कर रही है। और एजुकेशन और स्वास्थ्य तो समाज की जो ऋण है, दोनों ऋण बिल्कुल गवर्नमेंट घर से कमजोर है। पढ़ाई लिखाई में सही बच्चे कमजोर निकलते हैं आजकल। नेट है जिसके, देखो फोन हाथ में, फोन है। ना बेटा बेटी को समझे, ना बेटी बेटी अपने माँ बाप को समझे, अनुशासन नाम की चीजें देखे। शासन ही सब नियम और संयम नियम बनाते, अनुशासन से ही कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता। बेटी का तो छोड़िए, यहाँ पे तो लोग तो जिसको जानते नहीं उसको तक नहीं छोड़ते हैं। हमको कितना कुछ लोग वीडियो में सुना के चले जाते हैं, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, जानते नहीं है मुझे लेकिन फिर भी सुना देंगे। जानना पहचान में तेरा मेहमान, तुमको खाना पकाना नहीं आता, तुमको घर साफ करना नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, पता नहीं क्या क्या। अनुशासन अपने से बना, अनुशासन जीवन का महान बना। अनुशासन ही जीवन का, हर इंसान तो फ्रेंड्स शाम के 6 बजे इतना बेहतरीन मौसम हो गया, मतलब एकदम घेरा हुआ है बादल बारिश होने के लिए। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा शूट करके आप लोग को दिखाती हूँ, और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी भी बारिश वाला ही मौसम बना हुआ है, कितना सुंदर व्यू दिखता है। हेलो गाइस, तो शाम का टाइम जो है हो गया और मौसम बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा होगा। और कल रात में भी बारिश जो है ना वो हुई थी, और मैं थोड़ा सा झुक के बोल रही हूँ कि मैंने कैमरा थोड़ा सेट किया है। मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, लंच निकल रहा है मुँह से, तो जा रही हूँ मैं डिनर बनाने। डिनर में बनाऊँगी कढ़ी और रोटी। कैसे बनाती हूँ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ आप लोग से, वैसे तो मैंने इसको शेयर किया है कि मैं कैसे बनाती हूँ, विभिन्न विभिन्न प्रकार से बनाती हूँ इसको, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे जितना फेटेंगे ना ये उतनी फूली फूली बनेगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं ना तेज पत्ते, मेथी और प्याज से ना थोड़ा सा तड़का दे देती हूँ। और फ्रेंड्स जो ये मैं बैटर बनाती हूँ ना, इसी में सारी चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे कि बेसन का जो बैटर बनता है इसको, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, इसमें हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसको खट्टा करने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, लेकिन साथ में मैं बता देती हूँ आप लोग से, मैंने कहा था ना मैं बताऊँगी कि किस वजह से मैं इतना भूलने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स बात दरअसल ऐसी है, पहले मैं नीचे रहती थी, मैंने आप लोग से पहले भी बताया था, तो नीचे से जब हम ऊपर शिफ्ट हो रहे थे ना, तो मेरा जो कूलर है दो लोग पकड़े हुए थे, साथ में मैं जो हूँ पीछे पीछे आ रही थी, कूलर आगे जा रहा था, दो लोग पकड़ के, मेरे हस्बैंड और एक और कोई था मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन था, तो वो लेके आ रहा था और मैं पीछे पीछे थी, तो अचानक से इन लोग के हाथ से ना कूलर जो है वो स्लिप हो गया था, जो कि मेरे सर पे आ गया, मेरे खोपड़ी पे आके गिर गया था,
खोपड़ी फूट गई थी मेरी, इतना मेरे गर्दन में पेन हुआ था उस टाइम पे, मतलब पूरा एक दिन मेरे गर्दन में पेन था, क्योंकि गर्दन पे ही असर पड़ा था, अगर कोई भारी चीज़ गिरेगी तो गर्दन पे ही असर पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी से ये, जब से मेरे साथ ये कांड हुआ, मेरे सर पे वो कूलर गिरा, तभी से मैं चीज़ों को ना भूलने लगी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले मैं नहीं भूलती थी कोई चीज़। और एक चीज़ और हुआ था शिफ्टिंग के टाइम पर, हमारा ड्रेसिंग टेबल जो आप लोग देखते हो उसमें मिरर जो है वो नहीं लगा है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल का जो दरवाज़ा है उसे हम लोग ने बंद तो किया था, ठीक से अटकाया था, सब कुछ किया था, बट लॉक लगाना हम लोग भूल गए थे, जिसके कारण जब शिफ्ट हो रहे थे ना तो उसका दरवाज़ा खुल गया था और मिरर जो है सीढ़ी से लड़ के टूट गया था। तो ये दो कांड हुआ था ऊपर आते आते, और यही वजह है कि मैं जो हूँ थोड़ी बहुत मेरी याददाश्त लगता है कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। कोई नहीं, होता रहता है, और थोड़ा टेंशन में रहती हूँ इसलिए ये भी हो सकता है कि टेंशन के कारण चीज़ों को भूलने लगी हूँ, सोच में डूबी रहती हूँ सारा समय, तो ऐसा होता होगा। और बस यही एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की अपनी लाइफ की, और करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, बाय, टाटा, टेक केयर।